हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पैरावर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पहाड़ी ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी टाइम है मॉर्निंग का और चमचमाती हुई आ रखी है धूप, क्योंकि अब आ गए हैं गर्मियों के दिन। अतः तो घाम लगन मारी अति घाम, तो और काम चल रहा है जी, रेता वेता छन रहा है और चार को भी बात दिया मैंने अंदर, क्योंकि धूप ज़्यादा थी इसलिए। और मेरा किचन इतना मोटा पाइप है हमारे गोबर गैस का है, गोबर गैस हुआ छटांग भर का पाइप इतना मोटा बना रहा है, क्या बताऊँ। तो अभी मैं बना रही हूँ 10 बजे वाली चाय मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि फिक्स टाइम है ना, 1-10 बजे चाय देती हूँ, फिर शाम को 3:30 या 4 के बीच में एक चाय देनी पड़ती है इनको, फिर 1-6 बजे के टाइम पे। और बच्चे चले गए स्कूल, आजकल छोटा पहले तो रोता था, 1-2 दिन रोया, मतलब बहुत परेशान करा स्कूल जाने के लिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैडम मारती है। तो आजकल वो थोड़ा सा खुश है स्कूल जाने में, कहता है मैडम ना मुझे रोज़ प्यार करती है, रोज़ मुझे चॉकलेट देती है, रोज़ मुझे टॉफ़ी देती है। बच्चा होता ना, तो बच्चों को जितना तुम वो करोगे कि हाँ उसको थोड़ा प्यार दोगे, टॉफ़ी, वो खुश होगी, हाँ मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे ऐसा होगा, मैम ऐसा करेगी, तो वो रोज़ हो जा रहा है खुश जाने के लिए स्कूल। और घाम तो अति लगा है आजकल, ये चूड़ी बिंदी वाले लवी स्पीकर लगा के घूम रहे हैं, चूड़ी बिंदी मुँह से नहीं बोलना पड़ा, ये सुविधा भी उन लोगों ने सही कर रखी है। और ये यहाँ पे बन गया है रेत, क्योंकि आज बाथरूम में जो होना बचा है प्लास्टर वो होगा, और एक बच रखा है मेरा कमरा, मेरे कमरे में भी अभी नहीं हुआ है। और हो रही है फिर पानी की टंकी की फिटिंग, मतलब एक महीने से इतना अभी तक तो एक नया घर पूरा कम्प्लीट हो जाता है, पर टूट फूट में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, कभी ये करना है कभी वो करना है करके। तो ये काम अब घूमते घूमते रोड पहुंच गई हूँ, ये चाय बनाने के किचन में जो जा रही थी, बोलते बोलते यहाँ तक पहुंच गई हूँ, क्या करूँ। तो अब बना लेते हैं चाय, और इसके हम आ गए हैं। तो ये टूट गई है दीवारें, टूटी हुई काट दी है यहाँ से यहाँ तक, ये है पाइप फिटिंग के लिए जो आएंगी नल से होते हुए जाएंगी मोटर तक। और यहाँ पर ही कर रहे हैं बाथरूम और उसमें प्लास्टर, शकल नहीं दिख रही है इनके, न्यारे गोर फना रहे हैं ये, अभी दिखा देती हूँ मैं इनको, अभी भी नहीं चमके, तुम कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे इनको, मैं दिखा दूँ बैक कैमरे से। ये हैं हमारे मिस्त्री, ये देखो अभी जो कर रहे हैं यहाँ पर प्लास्टर। अगर किसी को मिस्त्री की नहीं, हाँ मिस्त्री की जरूरत होगी तो बताना, हम इनको भेज देंगे। ये इनके एक सहपाठी भी हैं, वो अभी गए हैं इसको लेने के लिए रेता, और 2 लगे हुए हैं यहाँ पर। ये भैया बहुत अच्छे गाने गाते हैं, भैया एक गाना सुना दो, सुना दो एक गाना, इनको शर्म लग गई, गाना अभी सुनाएंगे। वो कौन कौन से गाने गा रहे थे, मैं तू मेरी किस्मत में नहीं है वाला गाना गा रहे थे, पर इनकी लव मैरिज है, पता नहीं कौन नहीं थी इनकी किस्मत में, इनको ही नहीं पता है, इतने सैड सैड गाने गाते हैं। भैया भैया एक गाना तो गा दो फिर। अरे भाभी जी एक ही गाना गा दो बस हो गया, चलो सुनाओ थोड़ा सा ही गा दो, हाँ चलो दिख नहीं रहे हो, बैठ के गाओ, तुम ताली बजाओ तो अरे सैड सॉन्ग तुम गा रहे हो, क्यों गाएंगे, गाओ, साधु सा इंसान परेशान होता है ना, पता चलना चाहिए दर्शकों को, सुनाओ। वैसे गाने मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे मुझे मेरी वाइफ की याद आ रही है, ऐसे अपनी वाइफ के लिए गाने गा रहा हूँ। चलो गा दो, वो देखेंगे फिर तुम्हारे गाने सुनेंगे, गाओ। तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया, बस एक और गाओ, ये कोई गाना होता है, ये देखो दर्शक आ गए थे सुनने के लिए, इतना अच्छा गाना गाया इन्हें, 2 ही लाइन गाई पर वो। तो भैया ने तो सुना दिया इतना अच्छा गाना, उनको अपनी वाइफ की जो आ रही है बहुत ज़्यादा याद। तो अब बज गया 11, अब हम बनाते हैं खाना पीने की करते हैं तैयारी, क्योंकि 12:30 बजे हमारा जो घर का शैतानु सिंह है ना वो पहुंच जाता है, और उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए मम्मी के अलावा, उसको सिर्फ मम्मी अपने आगे चाहिए हो गया। तो उसके आने से पहले मैं सोचती हूँ घर का टोटल काम जितना है खाना पीना सारा निपटा लूँ, और फिर करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। क्या बनाऊँ यार, मेरे को एक खाना बनाने में ना एक सुबह शाम की सब्जी में हो गई, और दिन में क्या बनाऊँ हो जाती है, दाल अंदर है नहीं, और भट्ट की चड़कानी भी बना दी, पीस कर भी बना दिए, जिन जिन तरीक़ों से भट्ट बनता उन तरीक़ों से बना दिया है। अब आज क्या बनाऊँ वो थोड़ा सोच रही हूँ, भट्टी है, भट्टी के अलावा क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ आज आलू की सब्जी बना लेती हूँ, पर मट्ठा नहीं है तो मैं पलवा बना देती, पलवा कहते हैं हम लोग,
कड़ी भी कुनाने आज मैं तो पलिया ही खाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ पलिया बना देती, मट्ठा भी नहीं है क्योंकि आजकल गाय ने दूध है जो बहुत कम कर दिया, सवेरे थोड़ा डेरी लगा हुआ है, मैं सोच रही हूँ मैं ना कंप्लीट कर देती हूँ डेरी के लिए, फिर अगले महीने से घर ही रखूँगी क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा दूध वगैरह हो जाएगा और जो भैया लोग आए इनके लिए चाय वगैरह चाहिए तो दूध कम पड़ जा रहा है, और हमारा जो छोटे बकरी का बच्चा है ना वो भी गाय का ही दूध पीता है उसकी, मम्मी उसको पिलाती नहीं है, तो अब बना लेते हैं हम दिन का भात, फिर करते हैं वीडियो कंटिन्यू, तब तक के लिए बाय। हाँ जी, मेरा पोता स्कूल से आ गया ना, क्या क्या पला और लो दिखाया। हेलो गाइस, बोलो पीछे को चलो पहले, क्या खोलो इसके पता नहीं क्या होता है, रोज रोज बैग में इसका बैग खोलना पड़ता है। ओहो ये नहीं खाया जी, पहले हेलो गाइस बोलो और नहीं नहीं प्याज लगी है ना पोथा को, ये ओ बाप रे ओले जी जी, इसको प्याज लग जाती है प्याज, ये वातल बोतल के छप उलझे फुलझे ये खो के आ गया, कुछ नहीं बचा इसमें, आज हैंकी भी नहीं लाया, खाली ये लेके आ गई है चिमकांडी स्कूल से, इसके हाल देखो, ये छुपा छुपा कर ना दिख रही है, ये इसको खाना दे दिया, ये देखो इसके यहाँ पर ऐसे वाले। हेलो गाइस, तो यहाँ पे को रख रहे हैं मम्मी भूसा, ये देखिए ये शर्मा जा रहे हैं, और ये दो खाली आ रहे हैं पटेल पास निकल मेरे साथ, पार्लर जाऊंगी अब, मुझे भूसा उठा पार्लर के बाद फेशियल कल आया बुआ, बस यही है मेरे सिद्धू के, मेरी बुआ भी खाप है याद है ना, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, मेरे साथ आते हैं ना कभी नहीं बोल देते हैं, फिर कहाँ हैं रखती, फिर मैं भूसा फिर बात करती हूँ भैया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो कोई जब आते हेलो गाइस बोल, तो भी बोल दिया मैंने, कौन बोल दिया पहले ही करने, पहले मैंने बोल दिया था चिकन जब आते भाई मेरे, हट चल। तो आसमान में लग रहे हल्के हल्के बादल, सवेरे एक बार तूफान भी आने लग गया था, तो अभी तभी हम सोचते हैं फटाफट इसको रख लेते हैं पहले, और एक ये है ये शकल देखो उसकी, बानर जैसा बन रहा है, और यहाँ पे हो रही है छुट्टियों की डिस्कस, कितनी खुशी है चेहरे में छुट्टियाँ होने वाली हैं करके, ये देखो किसकी माँ कहाँ है तेरी माँ, और मुँह देखो इसका ये बंदर जैसा मुँह बनाया, एक ये आमना ये है ये देखो ये बानर ही है पता नहीं है, जा भरा रखा है इसका यहाँ पर 80 करोड़ के गाड़ी है, इसके दूसरा भी चले गया, तो आज हो गया इसमें भी प्लास्टर, और ये लाइट फिटिंग आज हमने सिर्फ अपने कमरे में दे रखा है, इन्वर्टर का कनेक्शन तो सिर्फ हमारे कमरे में दिया क्योंकि रात भर ना लाइट जा रही है, रखने पड़ रहे हैं अंदर, लाइट आ रही है तो रखना पड़ता है बाहर, अंदर जो है ना धुआं ही धुआं हो जा रहा है इसलिए, और अभी हमने रख दिया है भूसा, क्योंकि जो मिस्त्री है ना जो सवेरे खाना खा रहे थे वो दोनों लगे थे हमारा भूसा रखने के लिए, मतलब इतना हमेशा हेल्प करते रहते हैं हर काम में, गेहूँ भूसा, और इसको अब ना छूना है ये, मेरी माँ सो जाओ, मेरी माँ सो जाओ, मेरा खाना पीना नहीं बन रहा है, अभी घास डलना है, ये गुरबच्छी नहीं बात है, इसने दो भलके मार सक दिया मेरे को, कितना काम है, तो अब साथ ही में इस ब्लॉग को कर देते हैं, मैंने मम्मी ने माला तो ब्लॉग को यहाँ पेंट करते हैं, आपको अपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ले ले तू ही कर ले सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाय बाय। अरे बस हो गया, अब बाय बोल दे, बाय गुड नाइट, कल आऊंगा, बाय, स्कूल जाऊंगा, बस और चैन बाय। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।